हाई एवरी वन मैं सोहानी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंड्स मेरे आज के वीडियो में आप लोगों शायद शेयर करूंगी नेचुरल स्किन केयर रूटीन ये कोई भी फॉलो कर सकता है एडल्ट हो टीन एजर्स हो या फिर आप कोई भी एज के हो आप ये नेचुरल स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और हमारे पास जितना भी प्रोडक्ट था हम तो स्टॉक में बहुत कमी रखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने का हमें आदत रहता है तो ये सारे प्रोडक्ट मुझे नहीं लगता कि सबके पास सारे चीज जो है अवेलेबल है अभी तक लॉकडाउन चल रहे हैं और ना जाने ये कब तक चलेंगे तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि किस तरीके से आप घर बैठे ही अपने स्किन को हेल्दी ग्लोइंग और अच्छा बना सकते हो तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले आपको करना है क्लेंजिंग क्लेंजिंग करने के लिए आप रॉ मिल्क लेना है आपको अगर आपके पास रॉ मिल्क नहीं है तो आप बॉइल मिल्क भी ले सकते हो कोई जरूरी नहीं है कि आपको रॉ ही लेना है तो इस तरीके से कॉटन के हेल्प से आपको अपने चेहरे को साफ कर लेना है आपके पास अगर कॉटन नहीं है तो आप साफ कपड़ा भी ले सकते हैं तो इस तरीके से साफ करते हुए आपको कुछ देर के लिए इसको छोड़ देना है जैसे ही ये सूख जाएगा आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है तो चेहरे को धोने के बाद आपको करना है स्क्रबिंग यहाँ पे हमने होममेड स्क्रबिंग यूज किया है इसके लिए आपको लेना है चावल का आटा जो पिसा हुआ चावल का आटा होता है आपको वो लेना है राइस फ्लावर उसमें आपको थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है हनी ऐड करके आप स्क्रबिंग ना करें उसमें सिर्फ पानी ऐड करें ये काफ़ी है तो ये लेके आपको अपने पूरे चेहरे पे स्क्रबिंग करना है क्योंकि लॉकडाउन का टाइमिंग है हमें कोई भी ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा अभी शायद मिल रहा होगा लेकिन आप चाहो तो इन सब से भी अपने चेहरे को ग्लोइंग हेल्दी कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको स्क्रबिंग कर लेना है इससे आपके जितने भी वाइट हेड ब्लैक हेड डेड सेल्स जितने भी हैं सब निकल जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे अपने एक्नी डार्क स्पॉट जो मार्क्स होता है एक्नी मार्क्स का उनको हटाने के लिए हम लगाएंगे टोमेटो उसके लिए आपको बस एक टमाटर ले लेना है उसको कट करके अपने साफ चेहरे पे स्क्रब कर लेना है स्क्रब नहीं रब कर लेना है स्क्रबिंग के बाद आपको इस तरीके से रब करते हुए इसको छोड़ देना है जब ये सूख जाए पाँच से छः मिनट के बाद उसके बाद आपको ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेना है उसके बाद आपको लगाना है मास्क तो इस मास्क को लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा बेसन बेसन में मैंने ऐड कर लिया है थोड़ा सा हल्दी मेरे पास कस्तूरी हल्दी था तो मैंने वो ऐड कर लिया है आपके पास कोई भी हल्दी हो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है बस होना चाहिए हल्दी आपको ले लेना है और थोड़ा सा आपको इसमें मिल्क यानी दूध ऐड कर लेना है दूसरा कुछ भी ऐड ना करें कोई भी गुलाब जल कुछ भी ऐड ना करें ये काफ़ी है आपके चेहरे के लिए तो इनको कर करना है और मिक्स करके आपको अपने चेहरे पे अप्लाई करना है अगर इस तरीके से आप हफ्ते में तीन से चार बार करते हो गारंटी के साथ आपके जितने भी स्किन के दाग धब्बे एक्नी पिंपल्स डैचल्स व्हाइट हेड ब्लैक हेड जितने भी प्रॉब्लम आप झेलते हो वो सब दूर हो जाएंगे और आपका स्किन रेडियंट ग्लोइंग और बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा तो ये वाला आप मेथड ट्राई करना ना भूलें बहुत ही ज़्यादा किफ़ायत है इसमें कुछ भी आपको खर्चा नहीं आने वाला है पार्लर जा जा आपको कुछ भी पैसा वेस्ट नहीं करना है आप घर पे ही ग्लोइंग चेहरा अपना बना सकते हो तो ये आपको फॉलो करना है और ये फेस को वॉश करने के बाद जब ये सूख जाए आपको धोना है और उसके बाद अगर आपका मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो गया हो इस लॉकडाउन के दौरान तो आपको अपने मॉइस्चराइज़र को हटा के क्या लगाना है मैं आपको दिखाती हूँ आपको लेना है घी ये शुद्ध देसी घी होना चाहिए अगर आपके पास कोई भी रिफाइंड वाला मिलावट वाला घी हो तो आप ना लगाएं चेहरे पे शुद्ध देसी घी है तो आपको थोड़ा सा लेना है और मॉइस्चराइज़र की जगह ये लगा लेना है ये आपके चेहरे के मॉइस्चराइज़र को बनाए रखेगा चेहरा ड्राई होने नहीं देगा सूखा नहीं होगा और चेहरे में एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टनेस ऐड करेगा तो ये हो गया ना हमारा नेचुरल फेशियल स्किन केयर सब कुछ इसमें आ गया है तो आप चाहो तो इसको घर बैठे ही ट्राई कर सकते हैं और ये आपके चेहरे को बहुत ही अच्छा और हेल्दी बनाने में मदद करेगा तो यहाँ पे जितना भी प्रोडक्ट मैंने यूज किया है बहुत ही आसानी से आपके किचन में आपके घर में मिल जाएंगे और आपको बाहर जाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा और ना ही कोई महंगा केमिकल भरा प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा ये जो प्रोडक्ट है आप कोई भी एज का हो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आप बेझिझक इसको लगा सकते हैं यूज कर सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया है आप चाहो तो वैसे लगा सकते हैं अपने तरीके से लगा सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें आप अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन को भी हिट कर दे ये थी मेरे आज का वीडियो मिलते हैं मैं बहुत ही जल्दी एक अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय